फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आए थे यहाँ पर वी मार्ट में। वी मार्ट में हम सबसे पहले हमने कोकोरेज लोशन देखा और ये लोशन के प्राइस थी 160, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। और इसकी जो स्मेल थी भाई अमेजिंग थी, चॉकलेट जैसी, ऐसा दिल चाह रहा था इसको खा ही ले। और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं परफ्यूम के सेक्शन में। परफ्यूम भी यहाँ पे बहुत ही ह्यूज वैरायटी में थे, बहुत अच्छे अच्छे थे। और अब हम यहाँ पे अपने शैम्पू देख रहे थे। शैम्पू आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन करके आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम जॉय का देख रहे थे और यहाँ पर हमने स्प्रे भी देखे कॉकरेजेस को मारने के लिए, जो होते हैं डेटॉल भी देखा। ये चीज़ें हमारी रखी थी, हमने यहाँ से लाइजॉल लिया था, परचेज़ किया था। और ये जो कॉकरेज का होता है, ये परफ्यूम भी बहुत स्प्रे भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे हम डेट्स देख रहे हैं। डेट्स खाना किसको अच्छा लगता है भाई? डेट्स तो बहुत अच्छी होती है, सबको खानी चाहिए और हम तो भी खाते हैं। डेट्स बहुत अच्छी लगती हैं डेट्स खाने में। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं खाने पीने के सेक्शन में। खाने पीने के सेक्शन में तो भैया ज़बरदस्त चीज़ें, दिल ये चाहता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, बिस्किट भी ले लो, मैगी भी ले लो, नमकीन भी ले लो, चॉकलेट्स भी ले लो। सबसे ज़्यादा चीज़ आपको क्या अच्छी लगती है आप ज़रूर बताना हमें। स्पाइसी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है या आपको स्वीट में ज़्यादा अच्छा लगता है? भाई हम बताएं तो हमें स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। स्वीट बस नॉर्मल है, अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ऐसी कोई क्रेविंग नहीं होती। और यहाँ पर हम जेंट्स के सेक्शन में आ चुके थे। यहाँ से तो खैर हमें कुछ लेना नहीं था, बट यहाँ की जो रेंज थी शर्ट्स की, ये 1000 के अराउंड थी। विंटर की शर्ट्स थी सब, इधर सब था। ये डेनिम की जैकेट थी, ये जो है ये जैकेट है, ये इसके प्राइस भी आई थिंक 1000 से अबव थी आई थिंक। यहाँ पे जो है ये कारपेट्स हैं। और अब हम चलते हैं ऊपर के सेक्शन में, जो कार्टून बने हुए हैं ना गाइज, अमेजिंग, बहुत अच्छे लग रहे थे ये। और अब हम आ चुके हैं ऊपर गर्ल्स के सेक्शन में। गर्ल्स के सेक्शन में हमने सबसे पहले स्वेट देखी। ये जो आप पिंक वाली जो स्वेट देख रहे हैं, ये 550 की थी। और ये यहाँ पे जो है क्रॉकरी इंडक्शन सब रखा था यहाँ पे। यहाँ पे जो है ये जैकेट्स हैं, मस्टर्ड कलर बहुत ज़्यादा फैशन में इन है यहाँ पे। और आप भी ज़रूर बताना आपको सबसे अच्छा फेवरेट कलर कौन सा है। ये जो कुर्ती आप देख रहे हैं, ये भी अच्छी लग रही थी। आई थिंक ये 9000 के अराउंड, सॉरी 9000 ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो चुका, 1000 के अराउंड थी। और ये जो आप ब्लैक मेहरून सी देख रहे हैं, ये भी 1000 के अबव, आई थिंक 1700-1600 की रेंज में थी ये। गाइस पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, हम जो है ना प्राइस देखते हैं फिर हम भूल जाते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। और ये जो सिरामिक कलर है ना, ये बहुत ज़्यादा फैशन में इन है इस टाइम, ज़्यादातर सबके पास मिलेगा। ये जो पीच कलर है भाई, बहुत प्यारा लग रहा था। ये कुर्ती ये 1700 की थी, ये हमने इसका प्राइस चेक करा था, ये बहुत अच्छी लग रही थी। इसके साथ दुपट्टा भी था और इसमें कलर भी थे, इसमें स्काई ब्लू कलर, पीच कलर भी था। ये जो ये सब है ना, स्काई ब्लू मस्टर्ड है ना, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। और येलो कलर की इस पर पूरा वर्क हो रहा था, इस पर जो है ना पूरा नक का जो वर्क होता है ना वो हो रहा था। और गाइस हमने ना यहाँ से एक जो है ना कुर्ती परचेज़ करी है, और जो हमने कुर्ती परचेज़ करी वो हमने आपको नहीं दिखाई, वो हमारा थोड़ा सस्पेंस है। हम जब आपको शॉपिंग व्लॉग आपको शेयर करेंगे ना, तो हम आपको उसमें दिखाएंगे। तो अगर आपको शॉपिंग व्लॉग देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें एंड शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और हम यहाँ पर आ चुके हैं क्रॉकरी के सेक्शन में। क्रॉकरी के सेक्शन में हम यहाँ पर सब देख रहे थे। यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर मोस्टली थिंक प्लास्टिक की थी। और इधर साइड जो था, ये जो सेक्शन था, ये ग्लास का था, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस थे, मग्स थे, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये जो ट्रे देख रहे हैं आप, ये बाय वन गेट वन फ्री, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। आई थिंक इसका रेंज 160 के अराउंड, आई थिंक ये ट्रे 160 के अराउंड थी। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो टम्बलर था, ग्लास थे, मग्स, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगा था। ये बाय वन गेट वन फ्री था। ट्रांसपेरेंट तो भाई बहुत फैशन में इन हो रहा है, जहाँ पर भी देख लो, मार्केट में या वी मार्ट में, शॉपिंग में, मॉल में भी देख लो, ये यहाँ पर जो है ना मतलब ट्रांसपेरेंट ही चीज़ें मिलती हैं। और ये बैग के साइड आ चुके हैं, बैग के साइड आ चुके हैं। वैसे बैग इतने कुछ खास नहीं लग रहे थे, पर थे कुछ सही थे, बस नॉर्मल थे, सो थे। ब्लैक था, मस्टर्ड तो नहीं था, यहाँ पर कॉफ़ी था, ये सब कलर्स थे। हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं लगे यहाँ पर बैग। आप ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे बैग। यहाँ पे बैग में वैरायटी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, बस थोड़ी बहुत ही वैरायटी थी। और ये जब यहाँ पे सब कुर्ती वुर्ती हैं, यहाँ पर सब शॉर्ट टॉप्स थे यहाँ पे। और यहाँ पर जो थी क्रॉकरी की साइड, हम दोबारा आ गए। क्रॉकरी की तो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, आप ज़रूर बताना आपको क्रॉकरी की चीज़ें अच्छी लगती हैं या नहीं, हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे सब प्लास्टिक की थी, ये जो होते हैं बॉक्सेस, यहाँ पे कुछ भी इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट, शुगर, टी लीव्स, सब चीज़ें। और ये जो था, ये ड्राई फ्रूट का बॉक्स था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ पे टॉप थे, टॉप भी बहुत अच्छा लग रहे थे, पीच कलर का, पिंक कलर के, ग्रीन कलर का, चेक कलर के, सब बहुत अच्छे अच्छे थे। और इसकी जो रेंज थी आई थिंक 550 के अराउंड थे,
550, 650, और ये जो है ना ये वाला 550 का था, ये बहुत अच्छा लग रहा था टॉप। बट आप ज़रूर बता नहीं कि आप ज़्यादातर जो वेयर क्या करते हैं, कुर्ती करते हैं टॉप करते हैं? और यहाँ पर सब जो थी, यहाँ पे स्वेट टी शर्ट्स थी गर्ल्स की, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। और अब हम जो है यहाँ पे, ये जो है ये विशाल मेगा मार्ट है, वो जो हम पहले आपको दिखा रहे थे वो वी मार्ट था। तो यहाँ पर जो है ना, बस हमने मोबाइल को ऐसे ही कर लिया था ऊपर नीचे को, थोड़ा सा ऐसा हो रहा था डिस्टर्बेंस सा ऊपर नीचे हो रहा था। यहाँ पे जो है ये लोअर्स थे, गर्ल्स की चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, गर्ल्स का सेक्शन है, सब कुछ अच्छे लग रहे थे यहाँ पर। और अब हम वैसे हम ऊपर जा रहे थे, बस हमने थोड़ा थोड़ा जो है ना इसमें कैप्चर करने की कोशिश करी है। लिफ्ट से जाना था बट लिफ्ट में कोई था तो हम इसलिए पैदल पैदल चले गए। अब हम ऊपर के पोर्शन में, ऊपर के पोर्शन में यहाँ पे जो था, ये जो स्वेट टी शर्ट्स थी जो है, ये आप ग्रे देख रहे हैं, ये जो इसका स्टफ़ जो था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और ये देखने में भी बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे जो थे ना, थोड़ा एक्सपेंसिव लग रही थी हमें जो चीज़ें थी यहाँ पे। ये जो 200 की जो वैरायटी है ये अच्छी थी। यहाँ पे जैकेट थी, ये छोटे बच्चों की जैकेट थी, हमारे भाई छोटे हैं अभी तो उनके लिए हम देख रहे थे। यहाँ पे सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए थी। यहाँ पे जो जेंस थी ये भी अच्छे स्टफ़ में थी, और इसके रेंज भी ज़्यादा नहीं थे, 500 to 700 के अराउंड थी रेंज। ये जो जैकेट थी बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि अब तो विंटर आ चुकी है, सब चीज़ें जो है यहाँ पे विंटर का कलेक्शन ही है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर भी, बहुत ज़बरदस्त थी। और इस टाइम हम आ चुके हैं, छोटे बच्चों का ही है ये, बट है गर्ल्स सेक्शन, हमारी के तो नहीं है, टीन एज के लिए तो नहीं है यहाँ पर। आई थिंक 12 to 15 एज तक के तो नहीं होने के, अभी बिलो 12 एज के नीचे वालों के लिए होंगे यहाँ पर। यहाँ पे जो आप जैकेट देख रही हैं अच्छी लग रही थी, पीच कलर बहुत अच्छा लग रहा था। पीच कलर हमें बहुत अच्छा लगता है, पिंक से भी अच्छा लगता है पीच कलर। यहाँ पे प्रिंटेड जैकेट भी थी और प्लेन भी थी, बहुत अच्छी लग रही थी, लाइनिंग वाली भी थी। आप ये देख सकते हैं मस्टर्ड वाइट और ये जो पीच का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसकी प्राइस भूल गए कितनी थी भाई, याद ही नहीं रहता प्राइस का, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी इस प्राइस कभी उस प्राइस। प्राइस सबके देखते हैं बट हम भूल जाते हैं पता नहीं क्यों, इसलिए आई थिंक करना पड़ता है, आई थिंक ये हो सकता है ये हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये जेंट्स का सेक्शन है, ये बड़ों का सेक्शन था। यहाँ पर हम स्वेट देख रहे थे, यहाँ पर कुछ खास नहीं था तो हम बस थोड़ी वीडियो कैप्चर करने की कोशिश कर। और अब हम आ चुके हैं ऊपर के ब्लैंकेट के सेक्शन में। ब्लैंकेट के सेक्शन में जो है इसका जो स्टफ़ है ये अच्छा नहीं होता भाई, हमें तो अच्छा नहीं लगता टू बी वेरी ऑनेस्ट। विशाल और वीमार्ट के जो ब्लैंकेट होते हैं वो अच्छे नहीं होते, उसका जो स्टफ़ होता अच्छा नहीं होता, और मार्केट से ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और ऑनलाइन अगर परचेज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे हम देखने लगे मग्स, ट्रांसपेरेंट मग, हमें ज़रूरत थी इसकी, नीड थी, तो हमने देख लिए। इसकी जो रेंज थी 220 to 250 के अराउंड थे ये। और यहाँ पे जो थे हमने क्रॉकरी भी परचेज़ की है, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। जो ग्लास है ये टम्बलर बहुत अच्छा लग रहा था, और ये ट्रांसपेरेंट में बहुत अच्छे स्टाइल सा आ जाता है। ये जो है ये प्रिंटेड सा हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, आप ज़रूर बताना आपको कौन से ज़्यादा अच्छे लगे इनमें, कप लाइनिंग वाले या ट्रांसपेरेंट प्लेन वाले। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना सब कुछ खाली हो चुका है, क्योंकि दिवाली का टाइम है, दिवाली के टाइम पर सब कुछ जो है ना बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुका था, सब बहुत लेकर जा रहे थे। मोस्टली जो है ना सब ये ग्लासेस, टम्बलर और ये मग्स, क्रॉकरी की चीज़ें सबसे ज़्यादा लेकर जा रहे थे, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी यहाँ के। तो इसलिए भैया हमने भी ना क्रॉकरी ज़रूर से परचेज करी है, हम आपको जरूर दिखाएंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, उसमें हम आपको शॉपिंग ही शेयर करेंगे हमने क्या क्या परचेज किया था मॉल से, विशाल और वीमार्ट से। आप देख सकते हैं कितना खाली है यहाँ से, सब कुछ बिल्कुल ही खलास हो चुका था। ये टम्बलर थे, ये जो जार होते हैं इसमें पिकल रख सकते हैं, इसमें और भी चीज़ें रख सकते हैं। ये बैग का सेक्शन आ चुका है, बैग के सेक्शन की तो हमें कुछ ज़रूरत नहीं थी, नीड नहीं थी, तो हमने बस कैप्चर करने की थोड़ी कोशिश करी है। यहाँ पर जो थे, यहाँ पर फ्राई पैंस थे, ये नॉन स्टिक के थे आई थिंक, तवा जो होता है ये डोसे तवा जो होते हैं यहाँ पे, और कढ़ाई वढ़ाई जो भी होता है फ्राई पैन, ऑल दिस थिंग्स जो किचन में यूज़ होती हैं ये सब थी। इसका इतना हमें ज़रा कुछ वो नहीं है। और यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें ना बस क्रॉकरी की, बस ये जो होती है ना किचन वेयर जो होती हैं बस वो थी सब। यहाँ पे नाइफ़ थी, सीज़र थी, चिमटा था, और बहुत सारी चीज़ें थी, स्ट्रेनर था भाई, बहुत सारी चीज़ें, सो मैनी थिंग्स आर देयर। यहाँ पे हम आ चुके हैं अब क्रॉकरी के सेक्शन में, यहाँ पर प्लास्टिक की थी ये पिंक कलर, आई लव दिस कलर वेरी मच। आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे आपको सबसे बेस्ट कलर कौन सा लगता है भाई, हमारा पसंद का तो बताएं पता नहीं क्या हो जाता है कि कभी हमें कोई सा कलर अच्छा लगता है, कभी कोई पिंक अच्छा लग जाता है हमें, कभी मस्टर्ड, कभी सिरेमिक कलर, कभी पिस्ते कलर, आई डोंट नो पता नहीं क्या हो जाता है हमें, कभी कोई सा हमारी एक चॉइस ही नहीं रहती कलर में।
बचपन में पिंक था, अब टीनेज में अब हमारा मस्टर्ड हो रहा है इस टाइम। और ये जो ट्रे थी ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। अब ओवन के बाउल भी थे यहाँ पर प्लास्टिक के, यहाँ पर ट्रे भी बहुत अच्छी अच्छी थी। और ये जो देख रहे थे ना हमें बहुत अच्छी लग रही थी ब्लैक।